अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये व्लॉग बड़ा स्पेशल व्लॉग है। हर पेरेंट्स के लिए उनके बच्चों की कामयाबी बहुत स्पेशल होती है, उसी तरह हमारे लिए ये दिन बहुत स्पेशल है। तो जब हम छोटे थे तो हमारे लिए भी ये दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, हमारे रिजल्ट का डे। तो आज महत के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अर्ली मॉर्निंग है, महत तैयार हो चुका है और अब हम जा रहे हैं महत की ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए उसके स्कूल। के साथ भी गए थे, साथ नहीं पांच, मैं चौथी ग्रेड नहीं चार नहीं। रीजा जब तुम्हारी एफएस की ग्रेजुएशन हुई थी 4 साल पहले, हाँ तब हमने रीजा को बड़ा प्यारा सजाया था और आज हमने महत को सजाया। बड़ा महत तुम एक्साइटेड हो? ओके जनाब, ये देखें रिजा की पिक्चर मुझे मिल गई थी तो मैंने यहाँ लगा दी है। एनी हाउ जी, हम स्कूल पहुँच गए हैं। उल्लू बोल रहे हैं फिलहाल तो, क्योंकि सिर्फ ग्रेजुएशन सेरेमनी है, बच्चे कोई हाथ स्कूल में आए नहीं हुए। ये हम जा रहे हैं हॉल की तरफ। ओके जी, हॉल में हम गए हैं पहुँच। पेरेंट्स स्लो स्लो करके आ रहे हैं और बराजमान हो रहे हैं और अपने बच्चों को देख रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि किधर किधर हैं। हम भी मौत को तलाश कर रहे हैं कि हमें मिल जाए किधर है। चलें जी, ग्रेजुएशन सेरेमनी 2022-2023। बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। पेरेंट्स मेहनत करते रह जाते हैं, बच्चे कामयाब हो जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। Your first graduation was when you first entered the world. Then you graduated from a toddler to a preschooler, and today you are taking a step in your academic journey. Finally, महद की बारी आ गई है और ये महद का नाम दिया जाएगा। टाइम कितनी जल्दी गुजर जाता है। अभी कल की बात लगती है कि महत का स्कूल में एडमिशन कराना है और अब माशाल्लाह से उसने 6 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ओके जी, यहाँ हुआ फ़ोटो सेशन। फ़ोटो सेशन के बाद माशाल्लाह से बच्चों की खुशी आप देख सकते हैं और अब आ गया जी लास्ट स्टेप ऑफ सेरेमनी, स्कूल का एंथम। और इस तरह सेरेमनी हुई ख़त्म, उसके बाद रिफ्रेशमेंट। ओके जी, अब हम आ गए हैं इस मॉल में। थोड़ी सी करनी है शॉपिंग और थोड़ी सी करनी है पेट पूजा। तो आज डिसाइड हुआ कि अलबेक खाएंगे। अलबेक 10 गज लंबी लाइन में लग के ऑर्डर प्लेस किया है और फिर उसके बाद फिर से 10 गज लंबी लाइन में खड़े होकर ऑर्डर लिया है और ये देखें जी 10 मिनट में खा लिया है। नहीं जी, अब हम आ गए हैं मैक्स बच्चों के कपड़े ख़रीदने के लिए और यहाँ पर हो रही है खूब लड़ाई रिजा के साथ, जूता नहीं फिट आ रहा। हमारी हो गई शॉपिंग ख़त्म, अब कराएंगे बिल और घर को चलेंगे वापस। बच्चों ने भी इंजॉय किया, मैंने भी इंजॉय किया। अल्लाह ताला आप सबके बच्चों को भी कामयाब करे और अगर आप बच्चे हैं तो भी आपको कामयाब करें।
लेकिन आप बच्चे हैं या बड़े हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। हम आपके व्यूज़ का, आपके कमेंट्स का हमें रहता है इंतज़ार। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।